हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSP क्लासेज में। आप जो एजुकेशन न्यूज़ में मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ दोस्तों, वह है राजस्थान पटवारी से रिलेटेड, जो कि आज के हमारे न्यूज़ में आया है। और सबसे ऊपर आपको, वैसे तलम्बस में आपने देख भी लिया होगा, बाकी यहाँ देख लीजिए, सबसे ऊपर ही आपको लिख रहा है इंतज़ार बढ़ा। यानी कि ये उन छात्रों के लिए जो छात्र काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, उनके लिए बुरी खबर है। और जिन छात्रों को राजस्थान पटवारी में अभी तैयारी के लिए टाइम चाहिए, उनके लिए अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, राजस्व मंडल ने एक महीने पहले ही भेज दिया था प्रस्ताव। ये सभी को पता है, पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो इसमें पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है, और बोला गया था उस टाइम कि एक महीने के अंदर अंदर आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन एक महीने में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आज जो आया न्यूज़ में वो क्या है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ में जो लिखा है वो है, भू राजस्व नियम में संशोधन होने के बाद होगी पटवारी के 3,835 पदों पर भर्ती। यानी कि किस वजह से ये इंतज़ार बढ़ा है, किस वजह से लिखा हुआ है, इसका जो मेन बात है कि जो नियम है भू राजस्व नियम के संशोधन है ना, उस संशोधन के बाद ही पटवारी की भर्ती होगी, बाद में विज्ञापन जारी होगा। तो ये क्या संशोधन किया जा रहा है, इस बारे में हम देखते हैं हमारे न्यूज की तरफ, आपको भी पता चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने पटवारी के 3,835 पदों पर भर्ती की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस भर्ती के लिए प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हो पाएगी। इसकी वजह क्या है दोस्तों, इसकी वजह, मेन वजह देख लीजिए, इसकी वजह यह है कि पटवारी भर्ती के लिए, जो पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है। यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है, उसके संशोधन में क्या है, जो उस शैक्षणिक जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, यानी उसको चेंज किया जा रहा है, और किस लिए किया जा रहा है वो भी आपको अभी आप आगे पता चल जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा है, इसके लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन होगा। यानी जो भू राजस्व के जो नियम है उनमें संशोधन होगा। इसके अलावा क्या मान लो जो हो रहा है संशोधन, इसके अलावा MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग और EWC यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण भी किया जाना बाकी है। यानी कि अब तक जो एग्जाम्स थे उनमें ये MBC और इनके लिए EWC, इनके लिए कोई वो नहीं थी, कोई छूट नहीं थी, किसी प्रकार का वो नहीं था, पर अब जो है इनके लिए भी वर्गीकरण किया जा रहा है, किस प्रकार कितनी रिक्तियां हैं, किस प्रकार इनके जो है कितने पद इनके लिए होंगे, उस पर भी कार्य चालू है। तो आगे लिखा है, राजस्व मंडल ने एक महीने पहले संशोधन संबंधी प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया था। यानी एक महीने पहले ही संशोधन से ये संबंधित जो था, इसने एक महीने पहले सरकार को भेज दिया था। अब जो मामला है, सरकार के राजस्व, कार्मिक और वित्त विभाग से मंजूरी के बाद मंडल को वापस मिलने पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जो ये संशोधन है, इसके होने के बाद ही दोस्तों ये जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जा सकता। और ये किस लिए संशोधन किया जा रहा है, उस पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए हेडिंग में क्या लिखा है, BTech MTech को भर्ती से इनकार पर मामला कोर्ट में पहुंचा। यानी कि जो पिछली भर्ती हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 2015 में, और 2015 में जो भर्ती हुई थी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर भी थी, और कंप्यूटर की जो संबंधित थी जो मेन होती है, वो मान लो जो न्यूनतम सीमा होती है वो थी RSCIT। यानी जो कंप्यूटर संबंधित ज्ञान के लिए जो RSCIT रखी गई थी, और जो कंप्यूटर ज्ञान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर ज्ञान में क्या है, वो RSCIT है, और यही रखी गई थी, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कंप्यूटर का एज क्वालिफिकेशन, कुछ भी डिप्लोमा कोई भी हो, तो उसमें न्यूनतम यही था। तो इसमें क्या था कि भर्ती में जो बड़ी संख्या में BTech और MTech के जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, उन्होंने भी आवेदन किया था, लेकिन RSCIT की योग्यता नहीं थी उनके पास, इस वजह से उनको भर्ती में शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उन पर RSCIT की योग्यता नहीं थी, और कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड और जो था, जो इसमें योग्यता होनी चाहिए थी इस पटवारी भर्ती, वो उनके पास नहीं था, इसलिए उनको भर्ती नहीं गया।
इसी वजह से उसका क्या नतीजा निकला, जो एमटेक और जो इनको नहीं किया, उन विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं दायर की और इन्हें 300 याचिकाएं दाखिल हो गई और विवादों में ये मामला फंस गया और फिर फैसला हुआ। इसी वजह से दोस्तों ये जो इस बार है कि भर्ती में उच्च कंप्यूटर डिग्री धारकों को शामिल किया जाए, लेकिन इसके लिए पटवारी भर्ती को लेकर बने राजस्थान भू राजस्व नियम 1993 संशोधन जरूरी है। इसके अलावा हाल ही में लागू हुए अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधान भी इस भर्ती के लिए किए जाने वाले पदों में वर्गीकरण महत्वपूर्ण होंगे। यानी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पहले समझा दिया है कि ये जो पिछड़े वर्ग है इनके लिए एमबीसी और ईडब्ल्यूसी वालों के लिए संशोधन होगा, प्लस जो RSCIT यानी कि जो कंप्यूटर ज्ञान है शैक्षणिक योग्यता उसमें भी दोस्तों संशोधन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी छात्र है जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और किसी शैक्षणिक योग्यता के कारण वो भी कंप्यूटर ज्ञान की नॉर्मल, जिसकी वजह से वो शामिल ना हो पाए। इसलिए क्योंकि पिछली बार दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि काफ़ी बच्चे थे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो RSCIT थी, लेकिन जो BTech MTech थे उनके पास ये नहीं थी, जिस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज, तो जो संशोधन है उसके बाद ही जो प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया ये संशोधन होने के बाद हमारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि भर्ती किस प्रकार है, कितने पद खाली है, कितनी थी, किस प्रकार होनी चाहिए। तो जो राजस्थान के राज्य में पटवारी के जो स्वीकृत पद है दोस्तों वह है 12,252, और जो कुल अभी कार्यरत पटवारी है वो कितने 8,718। तो जो रिक्त पद बचे वो कितने बचे दोस्तों 3,835, और जो आखिरी बार परीक्षा हुई थी वो हुई थी 2015 में, उसके बाद अभी तक राजस्थान पटवारी कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो ये उसके बाद की जा रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों रिक्त पदों की 3,835 संख्या है और भर्ती भी 3,835 की होनी है, और ये होनी तो है लेकिन ये संशोधन होने के बाद ही होगी, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का थोड़ा सा इंतज़ार बढ़ चुका है, तो आप तैयारी में लगे रहिए और दोस्तों अच्छी से तैयारी कीजिए ताकि आपको ये आप इसमें सफल हो सके। दोस्तों धन्यवाद, और आपको हमारा ये वीडियो और अन्य वीडियो अच्छे लगे दोस्तों इनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल BSP क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।